सपा बसपा के मजबूत गठबंधन के बाद सभी राजनीतिक पार्टियां बहुजन समाज से हाथ मिलाना चाहती हैं और बसपा सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री के रूप में अपना समर्थन देना चाहती हैं। ये सब देखते हुए अब उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में भी सपा बसपा का मजबूत गठबंधन होने जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की दोस्ती अब उत्तर प्रदेश से बाहर भी कायम रहेगी। उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में भी दोनों दलों को गठबंधन पर कर लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। सोमवार को जारी संयुक्त विज्ञप्ति में बसपा प्रमुख मायावती और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पड़ोसी राज्यों में साथ साथ रहने का ऐलान किया है। गठबंधन फार्मूले के अनुसार मध्य प्रदेश में 29 संसदीय क्षेत्रों में सपा केवल 3 सीटों पर बालागढ़ और टीकमगढ़ व खजुराहो में अपने उम्मीदवारों को उतारेगी, जबकि अन्य 26 संसदीय क्षेत्रों में बसपा चुनाव लड़ेगी। इसी क्रम में उत्तराखंड की 5 सीटों में से सपा को 1 सीट पौड़ी गढ़वाल ही मिली है, जबकि बसपा 4 संसदीय क्षेत्रों में उम्मीदवार उतारेगी। उल्लेखनीय है कि 12 जनवरी को सपा बसपा के आगामी लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ने का निर्णय लिया था। उत्तर प्रदेश में हुए सीटों के बंटवारे में सपा 37 और बसपा 38 सीटें मिली हैं। प्रदेश की कुल 80 लोकसभा सीटों से 2 कांग्रेस के लिए अमेठी और रायबरेली और 3 अन्य सीटें राष्ट्रीय लोकदल के लिए छोड़ने का फैसला लिया गया था। दोनों दलों के बीच आवंटित सीटों की सूची जारी हो चुकी है। सपा और बसपा के बीच 3 राज्यों में हुए गठबंधन में बसपा का पलड़ा भारी नजर आ रहा है और ये है कांग्रेस और बीजेपी को हताश और हाहाकार जैसा हाल हो गया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड की कुल 113 संसदीय सीटों में सपा के खाते में मात्र 41 सीटें आई हैं, जबकि बसपा 68 संसदीय क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारेगी। अन्य दलों के लिए 5 सीटें छोड़ी गई हैं। सीट बंटवारे को लेकर सपा असंतोष दिखने लगा है। मायावती व अखिलेश यादव गठबंधन को भविष्य में भी जारी रखने का ऐलान गत 12 जनवरी को प्रथम पत्रकार वार्ता में कर चुके हैं। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड के बाद राजस्थान व अन्य राज्यों में भी दोनों साथ आ सकते हैं। ये थी SM न्यूज की बड़ी खबर। ऐसे ही खबरों पर नजर बनाए रखने के लिए वीडियो के नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, उसके बगल में घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि सभी खबरें बहुजन समाज की आप तक पहुंच सकें सबसे पहले। ऐसे ही खबरों पर नजर बनाए रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।